वेलकम टू जेके टॉपर्स। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो नोटिस मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, यानी कि जो मैंने कल अपलोड की थी कि एसएससी जो एमटीएस के जिन बच्चों ने अप्लाई किया था उसमें, ठीक है, तो उसकी क्या है रिटर्न डेट आउट करती है, ठीक है। तो वो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाल दूँगी या उस वीडियो का लिंक डालूंगी, तो वो वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, सिलेबस डिस्कशन करेंगे कि क्या सिलेबस रहेगा एसएससी एमटीएस का, ठीक है, जो कि अभी फॉर्म लगे थे, ठीक है, यानी कि मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ और हवलदार के लिए जो फॉर्म अप्लाई जिन स्टूडेंट्स ने किया था उनका सिलेबस की डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही का बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चों को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सिलेबस की डिस्कशन कर लेते हैं हम। तो ये रहेगा हमारा जो पेपर वन की रिटर्न की डेट आउट की है, यानी कि ये पेपर वन है हमारा जो कि सीबीटी पेपर होगा, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर पर हमारा ये पेपर होगा जिसमें हमें सिर्फ 90 मिनट्स देंगे, ठीक है, तो 90 मिनट्स देंगे। उसमें हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा जो कि जनरल इंग्लिश आएगी हमारी 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स की, ठीक है, 25 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के और 25 मार्क्स के, ठीक है। और फिर आ जाएगी हमारी जनरल इंटेलिजेंसी यानी कि रीजनिंग, ठीक है, वो भी हमारी 25 मार्क्स की है, उसके भी 25 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड्स, ये भी हमारा मैथ का सेशन है जो कि हमारा 25 मार्क्स का होगा, तो 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस जीके, ठीक है, जो कि नेशनल लेवल की आपको करंट अफेयर्स इसमें पढ़नी है, ठीक है, यानी कि जीके भी थोड़ी करनी पड़ेगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स पर ध्यान देना है जो कि नेशनल लेवल की होगी, तभी आप इसको पेपर को क्लियर कर पाओगे, ठीक है। करंट अफेयर्स आपके लिए यानी कि 5-6 मंथ की पिछली जो करंट अफेयर्स है वो आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। करंट अफेयर्स की भी कल की मैंने वीडियो लाई है, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, वो भी जाके आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारी 25 मार्क्स की है और 25 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सीबीटी पेपर किसका, एसएससी का, ठीक है। तो पेपर वन में अब हम थोड़ा ब्रीफली में कर लेंगे इसको कि पेपर वन में जो हमारा ये सिलेबस है वो क्या रहेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, जनरल इंग्लिश जो है, ठीक है, तो इसमें हमारा क्या आएगा, ठीक है, ये हमारा सिलेबस है, सिलेबस फॉर कंप्यूटर सीबीटी पेपर वन वाला, ठीक है, जिसकी मैंने आपको बताया कि डेट आउट कर दी है रिटर्न की, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको क्या आएगा, इसमें आएगा आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए, वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड क्या है इट्स करेक्ट यूसेज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वो आपको देंगे वहाँ पर, तो वो चीज़ आपको करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है, जजमेंट आएगी, एनालिसिस आएगी, ऑब्जर्वेशन आएगी, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट आएगा, नंबर सीरीज़ आएगी, नॉन वर्बल सीरीज़ आएगी, अर्थमेटिकल नंबर्स आएंगे, फिगर आएगी, कोडिंग डिकोडिंग, ये सब इसमें आपको आएगा, यानी कि जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग में, ठीक है। रिलेशनशिप भी इसी में आएगी, अर्थमेटिकल कंपटीशन भी इसमें सब आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ठीक है, तो इसमें आपको क्या चीज़ आएगी, मैथ का, यानी कि डेसिमल, फ्रैक्शन, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल, अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज इसमें आएगी, रेशियो आएगी, प्रोपोर्शन आएगी, एवरेज आएगी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, ये सब आपको इसमें आएगा, मेंसुरेशन, ठीक है, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो, टाइम, टाइम एंड वर्क, ये सब इसमें टॉपिक आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें क्या आएगा आपको, जैसे हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे, ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन डाल देंगे, इकोनॉमिक्स के, जनरल पॉलिटी के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, साइंटिफिक रिसर्च के, तो ये सब आपको इसमें आने वाला है, यानी कि जनरल अवेयरनेस में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको क्या करना है, एक मैप, ग्राफ, डाइग्राम, स्टैटिकल डाटा भी पेपर में दिया जाएगा, ठीक है, तो उसमें आपको 40% मतलब ये क्या करना होगा, कंपोनेंट, ठीक है, वो आपको लास्ट में दिखाया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये है हमारा सिलेबस डिस्कशन, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पीईटी, जब आप पेपर वन क्लियर कर लोगे देन आपका पेपर टू होगा,
देन आपका फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है। अब फिजिकल टेस्ट में इन्होंने क्या बताया है कि वॉकिंग मेल की बताई है 1600 मीटर इन कितने मिनट में करना है, 15 मिनट में इनको रेस है, ठीक है, इनकी 1600 मीटर, और फीमेल की 1 किलोमीटर है जो कि 20 मिनट में रहने वाली है, ठीक है। देन साइकिलिंग भी आएगी इसमें, ठीक है। साइकिलिंग मेल की कितनी है, 8 किलोमीटर इन 30 मिनट्स, ठीक है, यानी कि आपको लगभग 8 किलोमीटर चलना होगा, ठीक है, साइकिलिंग करनी है तो उसमें आपको 30 मिनट दिए जाएंगे, 30 मिनट में आपको 8 किलोमीटर कवर करना है, ठीक है। और फीमेल की जो है वो है 3 किलोमीटर कितने मिनट्स में, आपकी 25 मिनट्स में, ठीक है। तो ये साइकिलिंग किसकी रहेगी, ना कि सिर्फ हवलदार की रहेगी, ये हर किसी की है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिलेबस डिस्कशन। देन आपका पीएसटी जो होगा, तो पीएसटी में क्या आएगा, आपका हाइट और चेस्ट, ठीक है। मेल की जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चेस्ट अगर वो नहीं फुलाते हैं तो 76 होनी चाहिए, और मिनिमम एक्सपेंशन उनकी कितनी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट फीमेल की बात करें, फीमेल की हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो वेट कितना होना चाहिए उनका, 48 kg, यानी कि 48 kg के फीमेल का वेट रहेगा इसमें, ठीक है। तो ये PDF मैं आपको टेलीग्राम के लिंक पे आपको सर ने पहले भी प्रोवाइड की होगी, ठीक है। तो अभी एडमिट कार्ड अभी आउट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 7th मंथ जो होगा हमारा, यानी कि जुलाई में हमारा पेपर है, तो अभी ये एडमिट कार्ड आउट नहीं करेंगे, यानी कि हमारा जो एडमिट कार्ड है वो कब होगा रिलीज़, जून में, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।